नमस्कार दोस्तों, पुलवामा अटैक के बाद कुछ लोग सड़कों पर असलहे और बंदूकें लेकर उतरते नजर आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान को लड़ने के लिए चैलेंज भी किया। मौजूदा सरकार से कहना चाहते हैं, गांव मुरदपुर वासी गुरु बाबा फकीरादास जी के मंदिर में संकल्प लेकर कहना चाहते हैं, या तो अपने जो जवान शहीद हुए हैं तुरंत उनका बदला लिया जाए, तुरंत के तुरंत हमला करके पाकिस्तान का सर्वे नाश किया जाए, अन्यथा आने वाली पहली मार्च से गुरु जी बाबा फकीरादास जी का आशीर्वाद लेकर हम कश्मीर में कूच करने का काम करेंगे। और ये वहां जो पत्थरबाज आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी गुजर बटालियन गांव मिरकपुर का इकट्ठा होकर वहां सर्वनाश कर देंगे कश्मीर आतंकवादियों का। और ये भी कहना चाहते हैं कि आज आतंकवादी देवबंद के मदरसे से दारूम से पकड़े गए हैं, साथियों आज पकड़े गए हैं कश्मीर के छात्र ट्रेनिंग का काम कर रहे थे। चैलेंज देकर कहना चाहते हैं मिरकपुरवासी, पहली तारीख तक देवबंद को छोड़ दो। यहाँ जो कट्टरवादी फैलाना चाहते हैं कठमंडा, देवबंद को छोड़कर पाकिस्तान भाग जाए, अन्यथा पहली तारीख के बाद ढूंढ ढूंढ कर मिरकपुरवासी और गुजर आर्मी तुम्हारा नाश करने का काम करेंगे। इस पर अनिल कुमार उपाध्याय जी ने बोला कि लखनऊ में लाइसेंसी असलहों का प्रदर्शन करने वाले जेल भेज दिए गए, पर यहां लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी असलहों का ऐसा खुलेआम प्रदर्शन देश के अंदर क्या माहौल रचेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा लिखा भारतीय समझदार है। और सैयद ने कहा कि इन पागलों को कोई बॉर्डर पर भेजो, 1 मार्च तक मुसलमानों को देवबंद छोड़कर पाकिस्तान जाने की धमकी, वरना 1 मार्च के बाद गुज्जर आर्मी व मिरकपुरवासी ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों का नाश करने का काम करेंगे। 1 मार्च को कश्मीर कूच करने की भी बात कर रहे हैं। ये लोग खुलेआम असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज में क्या स्थिति होगी, समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा।